नमस्कार, मैं लतिका श्रीवास्तव, वीएसआरएस न्यूज में आपका स्वागत है। पुणे की सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हजारों अनाथों बच्चों की मां बनी माई का जीवन कठिनाइयों भरा रहा है। माई ने रेल में भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। आइए देखते हैं पद्मश्री सिंधुताई सपकाल के जीवन सफर पर यह स्पेशल रिपोर्ट। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कारों में एक नाम महाराष्ट्र से है, सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल। बेघर बच्चों की देखरेख करने वाली सिंधुताई के लिए कहा जाता है कि इनके 1500 बच्चे, 50 से अधिक बहुएं और 150 से ज्यादा दामाद हैं। सिंधुताई ने अपनी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजारी और बन गई अनाथों की माँ। अनाथ बच्चों का पेट भरने के लिए उन्होंने सड़कों पर भीख तक मांगी। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर सिंधुताई ने कहा कि ये पुरस्कार मेरे सहयोगियों और मेरे बच्चों का है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मेरे बच्चों को पेट भर खाना मिलने के लिए सभी सहयोग करें। पुरस्कारों से मन भरता है, पेट नहीं भरता, उसके लिए खाना जरूरी है। इसलिए आज भी दर दर भटक कर बच्चों के लिए खाना मांगती हूँ। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक सामान्य गोपालक परिवार में सिंधुताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था। रूढ़िवादी परिवार होने के कारण सिंधुताई को चौथे क्लास में स्कूल छोड़ना पड़ा। 9 साल की उम्र में सिंधुताई की शादी उनसे काफी बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दी गई। ताई ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो ससुराल वालों ने इनका विरोध किया। जब ताई ने अपनी इच्छाओं को मारना उचित नहीं समझा तो गर्भवती होने के बावजूद पति ने पिटाई करके घर से निकाल दिया। ताई ने कई महीने सड़कों पर जिंदगी गुजारी, फिर एक तबेले में बेटी को जन्म दिया। ताई ने बच्चे के जन्म के 3 साल बाद तक ट्रेनों में भीख मांगकर गुजर बसर की। ऐसे मिली प्रेरणा, यहीं से उन्हें बेसहारा बच्चों की सहायता करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद शुरू हुआ एक अंतहीन सिलसिला जो आज महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1000 से अधिक बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। सिंधुताई की संस्था में अनाथ शब्द का इस्तेमाल वर्जित है, बच्चे उन्हें ताई कहकर बुलाते हैं। इन आश्रमों में विधवा महिलाओं को भी आसरा मिलता है, वे खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करती हैं। इन आश्रमों में रहने वाले बच्चों के पालन पोषण व शिक्षा चिकित्सा का भार सिंधुताई के कंधों पर है। रेलवे स्टेशन पर मिला पहला बच्चा आज उनका सबसे बड़ा बेटा है। वो उनके बाल निकेतन, महिला आश्रम, छात्रावास व वृद्धाश्रम का प्रबंध देखता है। सिंधुताई 272 बेटियों की धूमधाम से शादी कर चुकी हैं और उनके परिवार में 50 बहुएं भी आ चुकी हैं। 750 से ज्यादा पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समेत करीब 750 अवार्ड पा चुकी सिंधुताई आज भी अपने बच्चों को पालने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं चूकती। ताई कहती है कि मांग कर यदि इतने बच्चों का लालन पालन हो सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पिछले साल सिंधुताई को आइकॉनिक मदर का नेशनल अवार्ड तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों मिला था। ताई के जीवन पर मी वनवासी बायोपिक मराठी में पब्लिश हुई है, वही मी सिंधुताई सपकाल फिल्म भी बन चुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों का प्रदान किया गया, इसी में से एक नाम है सिंधुताई सपकाल, यानी के अनाथों की माँ माई। आज उन्हीं के द्वारा चलाए गए एक आश्रम में, यानी कि पुणे के मांजरे स्थित आश्रम में हम पहुँचे हैं। यहाँ हम जानेंगे कई सैकड़ों बच्चों को माई किस तरह से उनका पालन पोषण करती है और किस तरह से कठिनाइयों भरा उनका यह सफर रहा है। पुरस्कार जिंदगी का सम्मान होता है बेटा, उसकी रोटी नहीं बनती रे, मेरे को रोटी चाहिए, मेरे बेटे भूखे हैं रे, मांग रहे बेटा खाने को, दे क्या करूँ। मेरी याद रख के मेरे को पद्मश्री दिया, मगर क्या करूँ, पुरस्कार तो 7.5 से मिले मेरे को, मगर खाने के बांधे रे। अभी मदद करो बेटा, मेरे गैया चिल्ला रही, जहाँ मेरा गोरक्षण है ना वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट ने पूरा जंगल बंद कर दिया, मेरे गैया नहीं चल सकती, और उधर इधर उधर लोगों ने खेत बो दिए, अभी गैया कहाँ जाएंगे रे। 2 फरलांग जाती चिल्लाते चिल्लाते और आती, मेरे गैया को भी बचाओ बेटा, मेरे बच्चों को भी बचाओ और मेरी तरफ भी ध्यान दो, मैं माई हूँ ना, तुम रिश्तेदार बनो बेटा, सबके लिए जो और जीने दो, बस ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा जीने का मकसद है बेटा, मैं माई है, तुम रिश्तेदार मेरे बच्चे के लिए, विनती करती बेटा। नहीं, राष्ट्रपति साहब ने पहले भी एक पुरस्कार दिया था मेरे को, नारी शक्ति पुरस्कार, और ये दूसरी बार, मगर बड़ा पुरस्कार है बेटा, मैं पद्मश्री हो गई,
मगर क्या करो रे, ऊपर से खुशी होती है पद्मश्री मिल गया, अंदर से दिल रोता है। अभी पद्मश्री देखने के बाद तो भूख नहीं जाएगा रे, मेरे बच्चे की भूख जानो, मेरे बच्चे का मुंह खाली मत रखो। सरकार ने मेरे को पुरस्कार दिया, राष्ट्रपति साहब ने मेरा बहुत कौतुक किया, तुम कब दोगे? तुम सब जब दोगे तब मेरे को खुश होंगे, मेरे बच्चे खा रहे जी रहे हैं, मेरी गैया चारा खा रही, बस ये वो आनंद दो मेरे को, वो खुशी दो, बस मैं राह देख रही आपके। ममता सिंधुताई सबका, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं सन्मति बाल निकेतन, वहाँ का कामकाज मैं पूरा देखती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि माई के साथ मैं गई थी जब पद्मश्री लेने माई दिल्ली गई थी जब, और मैं देख रही थी कि वो राष्ट्रपति जी के सामने आई है, उनका सम्मान किया जा रहा है, और आज से वो पद्मश्री डॉक्टर सौ सिंधुताई सपकाळ होने वाली है। बहुत खुशी का पल था। सारा जो अपना अतीत होता है वो एक पल में आँखों के सामने से गुजर जाता है। सफ़र कहाँ थे, मतलब एक ट्रेन में, मैं जब कुछ दिनों की थी तो वो ट्रेन में भीख मांग कर खुद का पेट पाला गुजारा करती थी, और वो औरत आज राष्ट्रपति जी के हाथ से सम्मानित हो रही है और मैं उनके साथ में हूँ। मेरे लिए ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।